नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू योगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करेंगे अनुवाद प्रकरण के विषय में। अनुवाद प्रकरण के टॉपिक पर यह हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले हमारे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए, जिससे आपका अनुवाद प्रकरण का बेस है वो स्ट्रांग होगा। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे अनुवाद प्रकरण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है काम आने वाली, संख्या विशेषण के विषय में। संख्या विशेषण की अगर बात करें दोस्तों, तो संख्या विशेषण के बारे में आपको एक चीज़ जान लेनी है कि संख्या विशेषण है क्या, यानी संख्या जो विशेषण विशेषताएं बताती हूँ, यानी अगर संख्याओं का प्रयोग विशेषण के रूप में कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, संख्या विशेषण। अब दोस्तों, विशेषण क्या होता है, जो विशेष्य की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। अब जैसे मान लो हम कहें कि काला घोड़ा, तो काला यहाँ पर विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। अब आपको ध्यान एक समझने वाली बात यह है दोस्तों कि विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार होगा। विशेषण जो है हमेशा किसके अनुसार होगा, विशेष्य के अनुसार होगा। विशेषण जो है वो विशेष्य के अनुसार होगा, ये आपको ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है। जैसा जिस लिंग वचन विभक्ति में विशेष्य है, उसी लिंग विभक्ति में क्या होगा, विशेषण होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, अगर विशेषण के रूप में संख्या का प्रयोग कर दिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि संख्यावाची शब्दों को आपको उनको इस तरह से एक सारणीबद्ध तरीके से याद कर लेना है। जैसे एक से पुल्लिंग में बोलते हैं एक है, स्त्रीलिंग में एकाहा और नपुंसकलिंग में एकम। ये तो दोस्तों प्रथमा विभक्ति के रूप में यहाँ पर आपको लिखे हैं, लेकिन आपको ये संपूर्ण रूप याद करने चाहिए। जैसे एक के रूप कंप्लीट याद करने चाहिए, आपको एक के रूप कंप्लीट तरीके से याद करने चाहिए। जैसे होता है कि प्रथमा विभक्ति में एक है, एकाहा, एकम। ऐसे ही अगर द्वितीय विभक्ति में करें तो एकम, एकाम, एकम। ऐसे तृतीय विभक्ति में हो जाएगा एकेन, एकया, एकेन। इस तरह से ये सारे रूप आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही एक के, दो के, तीन के, चार के, यहाँ तक तो आपको कम्प्लीटली रूप याद करने चाहिए दोस्तों, चार तक तो। उसके बाद आपको दिक्कत भी नहीं है क्योंकि सारे रूप उसके बाद सेम चलते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं दोस्तों कि एक है पुल्लिंग में उचलता है एक है, स्त्रीलिंग में एकाहा और नपुंसकलिंग में एकम। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। ऐसे दो के द्वौ, द्वे, द्वे। तीन का त्रय, तिस्रह, त्रीणी। चार का चतुवारह, चतस्रह, चतुवारी। पांच का पंच, पंच, पंच। ध्यान दो दोस्तों, एक से चार तक के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे। उसके बाद के जो रूप हैं वो देखिए, पाँच से उन्नीस तक की जो संख्याएं हैं, पाँच से उन्नीस तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप नित्य रूप से बहुवचन में और तीनों लिंगों में समान चलेंगे, पाँच से उन्नीस। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर उन्नीस का प्रयोग आप इस तरह से करते हो, नौ दस, अगर आपने उन्नीस का प्रयोग किया नौ दस के रूप में, तब तो उन्नीस तक चलेंगे। वरना अगर आप इसको लिखते हो एकोनविंशति, एकोनविंशति अगर आपने लिखा, ठीक है, यानी उन्नीस को दो तरह से लिखा जा सकता है, नौ दस या एकोनविंशति। और अगर एकोनविंशति के रूप में आपने इसका प्रयोग किया तो एकोनविंशति का प्रयोग स्त्रीलिंग की तरह होगा। तो आपको अगर नौ दस की तरह प्रयोग करना है तो ये तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में इसके रूप कैसे चलेंगे, समान चलेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पाँच से उन्नीस तक के संख्याएं हैं उनका नित्य रूप से बहुवचन में रूप चलता है और तीनों लिंगों में समान चलता है। आगे बात करें दोस्तों, तो 19 से जो 99 तक की संख्याएं हैं, अब 19 दोबारा क्यों आया, क्योंकि अगर एकोनविंशति है, ठीक है, अगर आप इसको लिखते हो एकोनविंशति, अगर एकोनविंशति लिखते हो तो एकोनविंशति से नौ नवती 99 तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप नित्य रूप से एकवचन और स्त्रीलिंग में होंगे। यानी एकवचन होगा नित्य रूप से रूप और क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, सौ व हजार जो सब संख्याएं हैं, सौ यानी शतम, हजार यानी सहस्त्र, इन सब संख्याएं जो हैं इनका नित्य रूप से एकवचन
वह नपुंसकलिंग रूप चलता है, यानी नपुंसकलिंग रूप बनेंगे, यानी सतम होगा ये सहस्त्रम होगा नित्य रूप से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आप उदाहरणों से समझेंगे इनको कैसे। देखिए दोस्तों, पहला उदाहरण देखिए, एक अध्यापक एक बालिका को पढ़ाता है। तो देखिए दोस्तों, एक अध्यापक, अब यहाँ पर विशेष्य क्या है, अध्यापक, तो अध्यापक से अध्यापक है, अध्यापक है के लिए संख्यावाची विशेषण आया है एक, तो अध्यापक क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के लिए हमने एक के लिए क्या याद किया था, एक है, क्या याद किया था, एक है, तो क्या हो जाएगा, एक है अध्यापक है। अब बालिका, बालिका को, तो बालिका, लेकिन आगे क्या है, को, यानी कर्म को, ठीक है, यहाँ बालिका क्या हो गई, कर्म हो गई, तो क्या हो जाएगा, बालिका का द्वितीय विभक्ति में लसे, लता लताम, ऐसे बालिका बालिकाम, ये हो जाएगा बालिकाम। अब इसका विशेषण भी एक स्त्रीलिंग में होगा और द्वितीय विभक्ति एकवचन में क्या हो जाएगा, एकाम, इसी के समान, तो एकाम बालिकाम, पढ़ाता है, पढ़ाता से बोलेंगे पाठ्यति, तो इस तरह से हो जाएगा, एक है अध्यापक है, एकाम बालिकाम पाठ्यति। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, राम दो बाणों से रावण को मारता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम, तो राम के लिए आ जाएगा राम है, दो बाणों से, यहाँ पर देखो बाण की विशेषता है कि वो है कितने बाण है, दो बाण है, तो यहाँ पर देखिए बाण है क्या, बाण है करण, क्योंकि साधकतम करणम, किससे काम पूरा कर रहा है, वो बाणों से कर रहा है, तो यहाँ पर बाण हो गए करण, और करण में तृतीया होती है, तो बाण में तृतीया होगी, तो बाण क्या है, दो बाण है, तो दो बाण तृतीय व्यक्ति द्विवचन, तृतीय व्यक्ति द्विवचन क्या हो जाएगा, बाणभ्याम, बाणभ्याम। इसी तरह दो, दो जो शब्द है वो बाण नपुंसकलिंग है, और नपुंसकलिंग के हिसाब से दो शब्द तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या हो जाएगा, द्वाभ्याम, तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या हो जाएगा, द्वाभ्याम, यानी क्या हो जाता है वो, द्वे द्वे द्वाभ्याम, तो द्वाभ्याम रूप होगा, तो रामे द्वाभ्याम बाणभ्याम, किसको मारता है, रावण को मारता है, तो रावणम मारता है हंति। ठीक है, तो इस तरह बन जाएगा रामे, रामे है द्वाभ्याम बाणभ्याम रावणम हंति। अगला वाक्य देखें दोस्तों, एक अध्यापक तीन छात्रों और चार छात्राओं को पढ़ाता है। तो एक अध्यापक एक है, अध्यापक है, यानी अध्यापक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग वाला एक लगा दिया, एक है, तीन छात्राओं को, तो यहाँ पर छात्रा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग में जब हम इसे तीन के रूप चलाते हैं, तो मैंने बताया था त्रय तिस्र त्रिणी, तो स्त्रीलिंग में होता तिस्र है, तिस्र है, ठीक है, तीन बहुवचन है तो तिस्र है, और छात्राओं को यानी कर्म, तो इसका मतलब द्वितीय विभक्ति, तो तिस्र है, और द्वितीय विभक्ति में भी क्या होगा, तिस्र है, तो तिस्र है, तिस्र है, सॉरी छात्रा नहीं है, छात्र है ये, छात्रों को, तो छात्र क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, तो त्रय, पुल्लिंग हो जाएगा त्रय, और त्रय का द्वितीय व्यक्ति में त्रीन, त्रय का त्रीन, तो हो जाएगा त्रीन छात्रान, तीन छात्राओं को, तीन छात्रों को, और चार छात्राओं को, तो छात्रा यहाँ पर देखो बहुवचन है, तो हो जाएगा जैसे लता लते लताहा, ऐसे ही छात्रा छात्रे छात्रहा, छात्रा हो गई। अब इनकी विशेषता क्या है, चार हैं, तो हो जाएगा चतस्रय, ठीक है, चतवार चतस्रय है, चतवारी, चतस्रय स्त्रीलिंग में, द्वितीय विभक्ति में भी चतस्रय ही रहेगा, तो चतस्रय है छात्रहा, और के लिए लगा देंगे च, और पढ़ाते हैं पाठ्यति। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, लता चार पुष्प तोड़ती है, तो यहाँ पर लता, लता से लता चार पुष्प तोड़ती है, तो पुष्प क्या हो गए, नपुंसकलिंग, चार कितने हैं, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, चतुवारी नपुंसकलिंग पुष्पाणी, जैसे फलम फले फलानी, चतुवारी पुष्पाणी तोड़ती है, यानी त्रोट्यति, तो लता चतुवारी पुष्पाणी त्रोट्यति। आगे बात करें, वह 18 छात्राओं को या सॉरी 18 छात्रों को या छात्राओं को पढ़ाता है, मैंने दोनों को ऑप्शन में लिखा है, तो देखिए दोनों के लिए मैंने एक लाइन लिखी थी यहाँ पर, देखिए 5 से 19 तक, 5 से 19 तक नित्य रूप से बहुवचन और तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं, तो ध्यान रखना कि बहुवचन नित्य रूप से बहुवचन चलेगा, और तीनों लिंगों में रूप कैसे होंगे, समान, चाहे कोई से भी लिंग हो। ठीक है, अब आते हैं नीचे, देखिए ये क्या कहता है कि वह 18 छात्रों को, तो ये 5 से 19 के बीच में आ रहा है 18, यानी 18 छात्र हैं, ठीक है, तो अब चाहे छात्र हों या छात्रा हों, दोनों ही कंडीशन में 18 का रूप अष्टादश ही रहेगा, तो स अष्टादश है,
ठीक है, से अष्टा दस है। छात्रों को लिखेंगे तो छात्रान, छात्राओं को लिखेंगे तो छात्रहा, चाहे अष्टादश छात्रान कह दो चाहे अष्टादश है छात्रहा कह दो, एक ही बात है। और पढ़ाता है यानी पाठ्यति, तो इस तरह से हो जाएगा से अष्टादश छात्रान या अष्टादश छात्रहा पाठ्यति। तो दोस्तों ये था आज हमारा संख्या विशेषण के ऊपर अनुवाद प्रकरण। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।